फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पोइटेस तोरु दत्त की एक फेमस पोइम है, द लोटस। तो दोस्तों, हम द लोटस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी हिंदी समरी आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला जो स्टेंजा उसमें दे रखा है, लव केम टू फ्लोरा। दोस्तों, यहाँ पर लव जो है वो रोमन जो पौराणिक कथाएं हैं, उन रोमन पौराणिक कथाओं में एक प्रेम का देवता है क्यूपिड, CUPID, क्यूपिड। वो प्रेम का देवता है, उसे ही यहाँ पर कवियत्री ने, पोइटेस ने लव कहा है। मतलब प्रेम का देवता क्यूपिड फ्लोरा के पास आता है। फ्लोरा कौन है दोस्तों? फ्लोरा भी जो रोमन पौराणिक कथाएं हैं उनमें फ्लोरा फूलों व बसंत ऋतु की देवी है, गोडेस ऑफ फ्लावर्स एंड स्प्रिंग। तो वह फूलों की देवी के पास क्यूपिड जो है, गॉड ऑफ लव, वो आता है एंड आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और वह एक फूल मांगता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है कि जो निर्विवादित हो, जो निसंदेह रूप से सर्वश्रेष्ठ हो, अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो। क्वीन का मतलब यहाँ पर आप रानी मत समझ लेना दोस्तों, यहाँ पर है कि अपनी खूबसूरती की वजह से सभी फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो या सर्वाधिक खूबसूरत हो। तो प्रेम का देवता क्यूपिड फ्लोरा के पास आता है, फूलों व बसंत की देवी के पास, और उनके पास आकर उनसे ऐसा फूल मांगते हैं। क्यूपिड ऐसा फूल मांगता है जो निसंदेह रूप से सभी फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो, सुप्रीम हो और सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। और द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन रिवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। फिर वो बताता है फूलों की देवी को कि यह विवाद शुरू हो गया है क्योंकि लिली और रोज के बीच। लिली दोस्तों सफ़ेद रंग का एक बहुत ही सुंदर फूल होता है, और गुलाब के बारे में आप सब जानते ही हो। तो दोनों फूल सर्वश्रेष्ठ फूल का खिताब पाने के लिए बहुत लंबे समय से, रिवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, कंपिटिटर्स, दोनों लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे हैं। फिर आगे देखिए दोस्तों, बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम। यहाँ पर दोस्तों जो बार्ड्स ऑफ पावर है, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है विख्यात जो कविगण हैं, विख्यात कवि, वो बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। विख्यात कवियों ने भी दोनों फूलों के दावों को अपनी रचनाओं में गाया है। मतलब इन दोनों फूलों के जो प्रेमी कवि हैं, मतलब अलग अलग कवि जिनके की कुछ कवियों का प्रेम गुलाब के प्रति है, कुछ का लिली के प्रति है, तो कवियों के दो गुटों द्वारा किए गए जा रहे दावों का वर्णन करती है कवियत्री इस पद में। विख्यात कवियों का एक गुट लिली के फूल की प्रशंसा करता है, यही कवि जो दूसरा गुट है वो गुलाब के फूल की प्रशंसा करते हैं और दूसरे फूल की आलोचना करते हैं। ये कवि तर्क देते हैं, दावा करते हैं कि गुलाब का फूल कभी भी लिली के फूल की तरह गर्व से एकदम सीधा खड़ा नहीं हो सकता। जैसे आप देख पा रहे हो आगे, द रोज़ कैन नेवर टावर। जो लिली के जो सपोर्टर्स हैं, कवि हैं, वो कहते हैं कि रोज़ कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन, कि लिली के फूल की तरह कभी भी सीधा गुलाब नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि लिली जो है वो जूनो मीन, जूनो दोस्तों यहाँ पर जुपिटर जो देवता है उसकी पत्नी थी, जो सौंदर्य की देवी थी, द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। तो उसके समान कवियों ने लिली को बताया है और बताया कि वह गुलाब के गुलाब बिल्कुल भी लिली की तरह सीधा खड़ा नहीं हो सकता या आकर्षक नहीं लग सकता। फिर देखिए दोस्तों आगे, बट इज़ द लिली लवलियर। फिर जो दूसरे जो कवि हैं जो गुलाब की प्रशंसा करते हैं, वो ये कहते हैं कि लिली का फूल गुलाब के फूल से अधिक सुंदर है क्या? वो इससे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकता। ये गुलाब के जो सपोर्टर्स पोइट होते हैं वो कहते हैं, दस बिटवीन
फ्लोवर फैक्शन रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज बोवर। दोस्तों इस पोएम में यही जो लाइन है, यही जो स्टेंजा, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है, आप इसको ध्यान से सुनिए इसका अर्थ क्या है। गुलाब प्रेमी और लिली प्रेमी दोनों कवि एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और तर्क वितर्क करते हैं। दोनों गुट साइकी जो वृक्ष व पौधे हैं, साइकी कुंज बोलते हैं जिसको, कि शीतल छाँव में मजबूती से अपने अपने प्रिय फूल की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए डट जाते हैं। मतलब यहाँ पर स्ट्राइप का मतलब है क्वेरल, झगड़ा हो जाता है स्ट्राइप। साइकीज बोवर का मतलब है साइकी। दोस्तों रोमन जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें जो क्यूपिड की प्रेमिका है वैसे यहाँ पे, और बोवर का मतलब होता है कुंज या निकुंज, लता मंडप, वहाँ पर जो जो फूल हैं, फूलों के दोनों गुट हैं या कवि हैं, वो वहाँ पर लता मंडप में रुक जाते हैं और एक दूसरे पर एक दूसरे फूल की प्रशंसा करते हैं अपने अपने की, और दूसरे जो जिन फूलों के खिलाफ होते हैं उनकी वो आलोचना करते हैं। इस तरीके से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कर सकते हो। फिर दोस्तों आगे देखो क्या होता है। फिर जो क्यूपिड है गॉड ऑफ लव, वो फ्लोरा से कहता है क्योंकि वो समस्या में पड़ गया कि मैं इस झगड़े का निपटारा कैसे करूं, दोनों फूलों के बीच झगड़ा हो गया, तो वो चाहता है कि मुझे एक आप ऐसा फूल दीजिए जिसमें दोनों के गुण हों, मतलब लिली की तरह भी हो और गुलाब की तरह भी हो, ताकि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो वो कहता है गिव मी अ फ्लोवर डेलीशियस एज द रोज। डेलीशियस का मतलब यहाँ पर स्वादिष्ट नहीं है दोस्तों, डेलीशियस का मतलब यहाँ पर है स्वीट एंड अट्रैक्टिव, कि गिव मी ए स्वीट एंड अट्रैक्टिव लाइक ए रोज, मतलब गुलाब की तरह स्वीट और अट्रैक्टिव फूल दीजिए। एंड स्टेटली एज द लिली, और लिली की तरह शान और शौकत वाला, शान शौकत वाला मतलब गौरव और शान वाला दीजिए, जो स्प्लेंडिड फ्लावर हो लिली की तरह, मुझे ऐसा फूल दीजिए। जब स्टेटली एज द लिली नर प्राइड, जब वो एकदम प्राइडफुल रहती है और एकदम स्प्लेंडिड लगती है लिली, ऐसा फूल दीजिए मुझे आप। तो फ्लोरा कहती है बट ऑफ व्हाट कलर, कौन से रंग का फूल दूँ फिर मैं तुम्हें, तुम लिली की तरह बता रहे हो, गुलाब की तरह बता रहे हो, कौन सा कलर, रोज रेड या फिर लिली वाइट। तो जो क्यूपिड था वो चक्कर में पड़ गया, वो सोच में पड़ गया कि मैं कौन सा फूल मांगूँ, तो वो हिचकिचाने लगा, ही एजिटेटेड, देन ही आस्क्ड रोज रेड, फिर वो रोज रेड के लिए कहता है कि मुझे गुलाब की तरह लाल दो फूल आप। लव फर्स्ट चोज, प्रेम के देवता ने पहले ये चयन किया, फिर वो प्रार्थना करने लगा, देन प्रेड नो लिली वाइट, नहीं मुझे आप लिली वाइट दीजिए, लिली की तरह सफ़ेद दीजिए। फिर वो फिर सोचने लगता है, फिर कहता है बोथ प्रोवाइड, कि मुझे ऐसा फूल दीजिए आप कि दोनों का ही मिश्रण हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, तो फ्लोरा ने सॉल्व्ड क्यूपिड्स प्रॉब्लम एंड गेव हिम द लोटस, और उसकी समस्या का समाधान करते हुए लोटस का फूल दिया। क्यों? क्योंकि लोटस का जो फूल है दोस्तों रोज रेड डाइड, वो गुलाब की तरह लाल भी होता है, एंड लिली वाइट, और लिली की तरह वो सफ़ेद भी होता है। द क्वीनलीस्ट फ्लोवर दैट ब्लोज, और यह जो फूल है वो गुलाब और लिली दोनों का मिश्रण होता है, दोनों के फूलों के रंगों और जो गुणों की विशेषताएँ जो हैं वो दोनों होती हैं इसमें। गुलाब जैसा मधुर भी होता है, लिली की तरह शानदार भी होता है, और सर्वश्रेष्ठ फूल था फ्लोरा की नज़र में, इसलिए ये फूल देते हुए फ्लोरा ने क्यूपिड की समस्या का समाधान किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आई होगी पोइम। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नए हो तो। अगले वीडियो में नए कंटेंट और मिलेंगे आपको, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।